तो ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट ट्रिक चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर एंड्रॉयड के रूटिंग फ्लैशिंग फॉर्मेटिंग के वीडियो यहाँ अपलोड होते रहते हैं, जो आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है। तो प्लीज़ इसे यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, हमारे पास है इलूगा A2, तो उससे हम जीमेल बाईपास किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए वीडियो पूरे पूरा, उसके बाद अपने मोबाइल में अप्लाई कीजिए। तो चलते कंप्यूटर पर, एक छोटी सी फाइल उसे डाउनलोड कर देते हैं। आपको तीन फोल्डर दोस्तों नज़र आ रहे हैं, वो तीनों फोल्डर आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करने होंगे। तो छोटी सी फाइल है उसे डाउनलोड कर दीजिए। सबसे FRP आप देख लीजिए, FRP फाइल है और छोटी सी KB पर ही फाइल है, 10 KB, 1 KB। ओके, तो टूल्स से और ड्राइवर से, सबसे पहले हम ड्राइवर किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। अगर 32 बाइट है कंप्यूटर आपका तो 32 बाइट इंस्टॉल कीजिए, 64 थे 64, तो डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिए, वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। अगर फिर भी आपको इंस्टॉलेशन का में प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में एक लिंक है हाउ टू इंस्टॉल ड्राइवर, उसे आप देख सकते हैं किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अगर सिंपल है डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल कर दीजिए, हो जाएगा अपने आप। ठीक है, टूल्स की बात करते हैं तो टूल्स में आपको एक टूल्स नज़र आएगा, फ्लैश टूल, उसे ओपन कर दीजिए, इसे ओके कर दीजिए। यहाँ से आप चॉइस कीजिए, चॉइस करने के बाद आपको फाइल लेनी है स्कार्टर, डेस्कटॉप पर चले जाइए। डेस्कटॉप पर आपको FRP के फोल्डर जो हमने डाउनलोड किए, फाइल स्कार्टर फाइल EMC, ठीक है, उसे ओपन कर देते हैं। ओपन होने के बाद सारी ब्लैंक चीज़ आपको नज़र आएगी, उसके बाद आपको डायरेक्टली फॉर्मेट टैब पर क्लिक करनी है। ठीक है, उसके बाद मैन्युअली फॉर्मेट, उसको आपको एड्रेस जो है उसे मिटाना होगा, इसे डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आपको एक FRP में और एक टेक्स्ट फाइल है, FRP फाइल, तो उसे ओपन करने के बाद यहाँ से सिंपली इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, यहाँ से लेंथ कॉपी पेस्ट, आप देख सकते रहे फॉर्मेट लेंथ, तो लेंथ मैंने कॉपी किया है और एड्रेस में सिंपली एड्रेस जो कॉपी किया है, तो सही तरह से एक बार देख लीजिए। और एक चीज़ और, ये लूगा A2 में ही ये सपोर्ट करेगा, किसी और मॉडल में ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये लूगा एक के सिवा किसी और मोबाइल में इसे इस्तेमाल मत कीजिए। तो चलते, इतना होने के बाद आपको सिंपली स्टार्ट कर देना है। इसके बाद मोबाइल अपना जो एक बार स्विच ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑफ करने के बाद USB कनेक्ट कीजिए। देखिए मेरा USB ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए तुरंत ही हो जाएगा, आपका इंस्टॉल नहीं होगा, तो थोड़ी देर के बाद ही जब इंस्टॉल हो जाएगा ड्राइवर तो ये अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ से अपना मोबाइल कनेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं 21 सेकंड में जो है फॉर्मेट हो चुका है फ़ोन। तो चलते हैं वीडियो पर वापस। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं जीमेल बाईपास हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से एग्री कर दीजिए और यस, इसके बाद नेक्स्ट, स्किप। तो यहाँ स्किप का ऑप्शन जो है इनेबल हो चुका है, तो आप यहाँ से इजीली बाईपास कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से कर दीजिए, ताकि आगे ऐसे ही पैनासोनिक के यूज़फुल ट्रिक और शॉर्टकट ट्रिक जो रहते हैं वो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।